आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ है कार्तिकेय, और कार्तिकेय ने फर्स्ट से क्या अटेम्प्ट था इसका, फ्रेशर के साथ सिलेक्शन दिया है और डॉक्टर बनने जा रहे हैं। बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई हो कार्तिकेय, थैंक यू आपको मैम। काफ़ी सेक्रीफाइस किया है। 2 साल 3 साल हो गए हॉस्टल में रहते हुए, मम्मी से अलग रहते हुए, लेकिन पापा ने बहुत बड़ा साथ दिया है इसका, हमेशा साथ रहे। हम पूछना चाहेंगे कार्तिक कि आपको कौन रोल मॉडल है जिसने आपको प्रेरित किया डॉक्टर बनने के लिए? रोल मॉडल तो कोई नहीं है मैडम। बस 10th के बाद पापा ने बोला कि डॉक्टर बन जाते हैं तो फिर बस डॉक्टर। पापा का आज्ञाकारी शिष्य है ये। पापा ने कहा है बेटा डॉक्टर बनना थोड़ा आ गया है, ताकि आप कैमरे में रहें। पापा ने कहा कि बेटा 10वीं के बाद डॉक्टर बन जा, और बेटे ने कहा बस आपने कहा तो मैं कर दिखाऊंगा, और वो उसने कर दिखाया। बच्चों को क्या कहना चाहिए कि कितने घंटे आप पढ़े, कैसे पढ़े तो अपने अचीवमेंट्स की ओर जा सकते हैं? घंटे तो ज़्यादा नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर रेगुलरिटी ज़रूरी है। मतलब डेली पढ़े, मतलब आप और एनसीईआरटी पे विशेष रूप से फोकस करें। घंटे ज़्यादा जरूरी हैं, जब पढ़ें तो कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ें। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि कार्तिक की सिटिंग जो है, इसकी सिटिंग काफ़ी खतरनाक है। काफ़ी लंबे समय तक ये पढ़ता है और सिटिंग कंटिन्यूस देता है। बहुत ही हार्ड वर्कर है, और जब ठान लिया तो कहीं, जहाँ पापा ने भी कहीं करा कि इतने इतने नहीं बोला, पापा देखो आपको देख के दिखाऊंगा। और 12th के 7 बच्चे के 505 नंबर थे, पांच 505 12th के 7 थे। कहीं पिछले बार छोटा मोटा रह गया क्योंकि उतना फोकस इसने नहीं करा, ज़्यादा बोर्ड पर इलेवेंथ फोकस वीक था किया मैम, था। हाँ, 11th वीक था। 12th पर ज़्यादा फोकस नहीं करा, 12th बोर्ड पर करा, लेकिन इस साल ठान लिया था कि मुझे करके दिखाना है। और 612 नंबर के साथ एग्जैक्ट जिस दिन आंसर की डिक्लेयर हो गई थी, उसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था कि इतना है। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि अपने अचीवमेंट्स को लेने के लिए क्या डेडिकेशन आपको होना चाहिए बच्चे? मतलब एक तो रेगुलरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मतलब आप डेली पढ़ें, मतलब कम पढ़ें पर डेली ज़रूर पढ़ें, और एनसीईआरटी विशेष फोकस करें। केमिस्ट्री बायोलॉजी जैसे टीचर भी बताते हैं अभिषेक सर, तो एनसीईआरटी विशेष फोकस करें। फिजिक्स में नोट्स इनफ है, मतलब नोट्स से बाहर कुछ नहीं आता, लगभग पूरा आता है नोट्स से। और एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं चाहे तो, वरना फिजिक्स थोड़ी टफ है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फिजिक्स की थोड़ी टफ है, और हाँ अभिषेक जी ने तो शायद आपको फोर्सफुली हाँ करके कि बिल्कुल एनसीईआरटी मैम, की लाइन टू लाइन पढ़नी है, केमिस्ट्री अभिषेक तो सर लाइन ने टू, बोला हाँ अभिषेक सर ने पूरी लाइन टू स्पेशली लाइन, कहा केमिस्ट्री के स्पेशली लिए। की केमिस्ट्री में आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, और उन्होंने उस चीज़ को फोकस किया हाँ था। आपने उस चीज़ को मानते हुए उस चीज़ बिल्कुल में मैम, अच्छे सारे अचीवमेंट्स क्वेश्चन करे, एनसीईआरटी से ही सारे आए। एनसीईआरटी से क्वेश्चन थे उसको करा। सांवर जी, इनके फादर हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगी कि सर आप स्टेज पर आएँ, और हुड्डा सर से रिक्वेस्ट है, डॉक्टर साहब से, कि उनका साफा पिना का सम्मान करें। आप इधर आ सकते हैं कार्तिक के, थोड़ा सा इधर आएँ सर, ताकि आप फ्रेम में आएँ आराम से। हाँ, सावन जी, सर से हम पूछना चाहेंगे। हम काफ़ी समय से सर से जुड़े हुए हैं, और निश्चित तौर पर जब भी जरूरत पड़ी है हमेशा हमारी सेवाएं सर ने उपलब्ध कराई हैं हमें, और हमें हमेशा मार्गदर्शन भी देते रहे हैं। मैं चाहूँगी सर आप बताएं कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। वैसे मैं आप लोगों से 2008 से जुड़ा हुआ हूँ, एपीएससी स्कूल से भी, और लगातार जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का जो मैनेजमेंट है, आप लोगों की जो व्यवस्था है वो ज़्यादा मायना रखती है। जो फैकल्टी का डेडिकेशन है, मैनेजमेंट का डेडिकेशन है, बच्चे की देख मेहनत होती है। बाकी सारा काम क्या होता है, फैकल्टी जैसे कहती है बच्चा उसी के अनुसार अनुसरण करता है। यदि फैकल्टी का डेडिकेशन होगा, मैनेजमेंट सही होगा, तो निश्चित रूप से सफलता मिलना आसान है। बाकी बच्चा तो खुद मेहनत करता ही है, सभी बच्चे मेहनत करते हैं, परंतु तो फैकल्टी का एक मार्गदर्शन, संस्थान की व्यवस्थाएं, वो सब है कि सफलता पर निर्भर करती है। सारे चैनल जब जुड़ते हैं तभी एक चैनल बनता है। धन्यवाद। सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बच्चे ने अभी बताया हमें कि 10th के बाद पापा ने कहा बेटा डॉक्टर बनना, आपको ये सपना कहाँ से आया कि मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है? मैं खुद साइंस से हूँ, और साइंस से हूँ मैं तो उस टाइम नहीं बन पाया, किसी पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से। मैं भी इंटेलिजेंट था, आप देख रहे हैं, आपके साथ 12 वर्ष से मैं जुड़ा हुआ बिल्कुल हूँ, बिल्कुल बिल्कुल और जिस संस्था में मैं रहा हूँ वहाँ भी ये मेरे साथ ही था, 4th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक। दूसरा, इसकी विशेषता ये जरूर रही कि जिस स्कूल में जो संस्था प्रधान पापा होता है वो बच्चा बदमाशी जरूर करता है, और इसने कभी ऐसा मौका नहीं दिया। यहाँ भी आप साल 3 साल बिल्कुल आपके पास रहा है, बिल्कुल मैडम साइलेंट तो है, नहीं बिल्कुल जानते है, कि ये इतना बिल्कुल साउंड जी का लड़का है। ये सिंसियर रहा है, ये मेरा सपना था कि ये 10th में भी अच्छा अचीवमेंट करे। दूसरा, ज़्यादा योगदान इसकी मम्मी का रहता है, उनका जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा टाइट है। बच्चे को टाइमली क्या खिलाना, क्या पिलाना, कितना बजे उठाना, कितना बजे पढ़ाना है, उनके निर्देशन में इसने 10th में भी इसके 96.67% है। 12th में भी कोचिंग के साथ इसने 92 प्राप्त किए हैं।
90s का रिकॉर्ड रहा है 97 92 एंड आफ्टर दैट दिस अचीवमेंट बच्चे ने फतेहपुर तहसील है वो भी 91 में 10th में टॉप किया है वहां पर लगभग 97% स्कोर रहा है जी मम्मी भी टीचर है पापा भी टीचर हैं और इसलिए एक बच्चे को ये देखा कि हम तो चलो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं लेकिन बच्चे को वो चीज़ कहीं नहीं करने दें और इसके बच्चे को गवर्नमेंट की ओर अग्रसर करेंगे तो लगभग बच्चे को क्या कराना है वो अपने पेरेंट्स के हाथ में रहता है। पहला काम पेरेंट्स का है। अभी भी सावन जी सर ने खुद कहा है कि मम्मी काफ़ी टाइट हैं, टाइट कार्ट है कि बेटा इस टाइम से पढ़ना है, इस टाइम उठना है, ये टाइम है, क्योंकि उन्होंने अपनी परिस्थितियाँ देखी हैं कि कहीं ना कहीं हम तो आज इसी जॉब में रह गए, हमें कुछ व्यवस्था नहीं मिल पाई थी, बेटा आज तो तेरे को सब कुछ मिल रहा है, सारी सुविधाएं हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम ही मिलते तो हम आज IAS बनते, लेकिन नहीं था, माहौल ही नहीं था, आज वो तेरे सामने सब कुछ माहौल पड़ा है और वो जो सपने हैं वो सारे आपके बेटा वो हम वो देखना चाह रहे, हम नहीं कर पाए वो सपने, आपको हमारे के अंदर से आपको ये दिखाना है, ये आईना दिखाना है, ये बच्चे ने उसको कम्प्लीट दिखा दिया कि हाँ 10th में 97 स्कोर, 12th में अगेन 92 पॉइंट कुछ स्कोर, उसके बाद 12th के अंदर ही नेट के अंदर 500 क्रॉस करना नेट का स्कोर और अब 600 क्रॉस करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आपने जो अभी बता रहे हो कि APS परिवार से जुड़े हुए, एम्पल से जुड़े हुए पिछले 12 साल होगी, इसलिए आपकी ये जो 12 साल की तपस्या है ये एक बहुत बड़ी तपस्या है और आपने ईमानदारी से तपस्या की है और वो तपस्या आपने अपने बच्चों के रूप में देखी है, इसलिए आपको ऊपर वाला बहुत सब कुछ दे, ये हमारी एक हार्दिक इच्छा है कि आपने इतनी ईमानदारी से और इस असफलता को सफलता में कन्वर्ट कर दिया। अब हम आगे चाह रहे हैं कि बच्चा एक, अब इस बच्चे के सब कुछ हाथ में है, आने वाले 7-8 साल इसके हैं, तो एक ये मैं एक ही चाह रहा हूँ कि जो डॉक्टर है वो एक वर्ल्ड लेवल का डॉक्टर है, एम्स से करेगा डेफिनेटली। सर का हार्ड वर्क और सिंसियरिटी, हार्ड वर्किंग, मदर का डेडिकेशन, इस सब की सफलता का राज है ये बेटा। जब पेरेंट्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं, अच्छी मार्गदर्शन देते हैं, अच्छी गाइडलाइन देते हैं, तो बच्चे निश्चित तौर पर उन सपनों को पूरा करते हैं और ये पिता के लिए गर्व और घमंड की बात होती है कि उनके बच्चे सक्सेस की ओर जाए। थैंक यू सो मच सावर जी, बहुत बहुत बधाई आपको, कार्तिक बहुत बहुत बधाई आपको, आपको भी है, आप लोगों का काफी सहयोग रहा है, आप लोगों ने इसको पढ़ाया निःशुल्क है, की व्यवस्था भी सब पूरी फैकल्टी मेंबर्स का सहयोग रहा, 3 साल तक आपने सब कुछ दिया इसके लिए, उसके लिए आपका भी पूरा, नहीं बच्चे ने मेहनत करी, सभी की थी, सब सर्वोपरि है, मेहनत सर्वोपरि है, आपकी मेहनत सर्वोपरि है, आपका डेडिकेशन सर्वोपरि है, बच्चे की पढ़ाई सर्वोपरि है और हमारे पूरी फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने इन पर मेहनत करी, इम्पल्स परिवार से जुड़े हर व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बच्चों के सक्सेस के लिए अच्छी कामनाएं गई। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।